सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। शास्त्रों में 16 संस्कार हैं। नाम जानते हैं आप सभी, कौन कौन से संस्कार हैं? गर्भाधान संस्कार, जब माता गर्भवती होती तब संस्कार होता है। फिर जब गर्भ से बालक आता है, जातकर्म संस्कार, नामकरण संस्कार, फिर यज्ञोपवीत संस्कार, फिर कर्ण छेदन संस्कार, ये सब संस्कार हैं। ये व्यक्ति को हर एक अवस्था में दिए जाते थे। अन्न प्राशन संस्कार, जब बालक को अन्न दिया जाता था तब ब्राह्मण देवता आकर उसे मंत्रों के द्वारा उस बालक की शुद्धि करते थे, अन्न की शुद्धि करते थे। फिर यज्ञोपवीत पहनाया जाता था, जिससे बालक की मेधा यानी बुद्धि इतनी कुशाग्र हो। पहले यज्ञोपवीत हुआ करते थे बालकों के, तो वेद मुख पर बोलते थे, मतलब इतने बड़े बड़े वेद, इतने बड़े बड़े उपनिषद उनकी स्मृति में उतर जाया करते थे। आज यज्ञोपवीत कोई डालता नहीं, वो भी कोई ब्याह के दौरान कोई पंडित जी पहना दे तो बस 4 घंटा पहने और फिर उतार दिए, हमारा टांग दिए वहां पर। अब तो बस 3 ही संस्कार होते हैं, वो नामकरण भी आजकल पंडित जी को छोड़ करके लोग गूगल देवता पे सर्च कर लेते हैं और वहीं से निकाल कर अपने बालकों के नाम धर लेते हैं। बस अब वो खैर मनाओ कि ये 2 संस्कार इनके बस की बात नहीं, इसलिए बेचारे पंडित जी को आना पड़ता है। एक तो शादी ब्याह वाला संस्कार, जो खुद नहीं पढ़ सकते, उल्टे सीधे पढ़ दिए तो फिर क्या होगा। एक होता है दाह संस्कार, वो भी इनके बस में चले तो खुद ही करे है महाराज, काऊ की जरूरत ना पड़े। लेकिन इन संस्कारों से हमारा बालक के अंदर गहरा असर पड़ता था। वो इस प्रकृति से ही नहीं, भारतीय संस्कृति से जुड़ जाता था। उसकी बुद्धि, उसका विवेक बहुत तीव्र होता था। समाज में क्या करने योग्य है, मेरे परिवार के लिए मुझे क्या करना चाहिए और मेरे लिए मुझे क्या करना चाहिए, ये उसे ज्ञात होता था। लेकिन ये संस्कार छूट गए तो हम एक साधारण सामान्य की तरह जी रहे हैं। ब्राह्मण बालक को तो 5 से 7 वर्ष में यज्ञोपवीत संस्कार हो जाना चाहिए अगर उसकी बुद्धि को बढ़ाना चाहते हैं। क्षत्रिय बालकों को कम से कम 12 वर्ष 11 वर्ष के बीच में, 11 वर्ष में ही हो जाना चाहिए, इससे ज्यादा ना बढ़ाएं। 16 वर्ष तक की प्रतीक्षा ना करें, 16 वर्ष के बाद ये शरीर अपवित्र है। उसके बाद यदि गायत्री को आप बुलाएंगे, यज्ञोपवीत का अर्थ है गायत्री धारण कराना, गायत्री को विराजमान कराना, तो कहते हैं 16 वर्ष तक गायत्री माता इंतजार करती है बालकों का। और जब 16 वर्ष तक कोई नहीं पहुंचता उसकी शरण में, तो फिर वो श्राप देती है, चाहे वो ब्राह्मण बालक हो या अन्य किसी वर्ण का बालक हो, श्राप दे देती है, जाओ तुमने मेरी शरण ग्रहण नहीं की, इसलिए दर दर भटको और जीवन में कभी शांति ना पाना, तुम्हारी बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाए, तुम ज्यादा दिन अपनी स्मृति को संतुलन करके ना रख सको। और यदि कोई फिर से अगर उसे ज्ञान हुआ और वो ये कहे कि नहीं मुझे गायत्री धारण करनी है, तो कहते हैं कि फिर जितने वर्ष आपके व्यतीत हुए, जितने साल के आप हैं, हर एक साल पर 1,00,000 मंत्र, यानी अगर आप 16-17 साल के हैं तो 17,00,000 मंत्र करके आपके शरीर को पवित्र किया जाएगा, तब गायत्री आकर विराजमान होगी, तब बालक के अंदर मेधा प्रकट होती है। तो ये संस्कार है, आज हमने अपने संस्कारों को भुला दिया।